when an object is kept at a distance ...60 centimeters in front of a mirror, the image forms at a distance 30 centimeters in front of mirror. What is focal length of the mirror? Also find type of mirror. कितना सिंपल है, दिया है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। एज इट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर यू विल बी टेकन नेगेटिव एंड माइनस 60। व्हाई? बिकॉज इन फ्रंट ऑफ मिरर और भी विल बी टेकन, ये भी फ्रंट में हुआ है 30 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर। एक पूछा है 1/f = 1/v + 1/u और शायद आपको समझ में आ रहा होगा और मिल डाल सकते इसमें 1/f = 1/-30 + 1/-60। दोनों को जोड़ो तो नीचे आएगा -60, माइनस साइन को ही बाहर रख दो 60 और अंदर आएगा ये 2 + 1, सो इट इज -3/60 और -1/20। दैट मीन्स फोकल लेंथ इज -20 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द मिरर इज कॉनकेव और कन्वेक्स। कौन सा मिरर में नेगेटिव होता है? समझ में आ गया, कॉनकेव मिरर और पता चल गया फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। अभी कोई पूछेगा तो डोंट से दी फोकल लेंथ इज -20 सेंटीमीटर, ये साइन कन्वेंशन है। आप कहोगे फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड इट इज ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए मिरर एंड वेयर द इमेज विल फॉर्म। तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है लार्ज डिस्टेंस में है भाई, लेट अस कॉल इट इनफाइनाइट। पूछा है भी क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 1/v + 1/u = 1/f। अगर u इंफिनिटी है तो 1/u becomes 0। मिरर फॉर्मूला से हमें ये समझ में आ गया कि 1/u will be 0, मिरर फॉर्मूला लगा दिए हैं हम। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि 1/v = 1/f और v = f, सो फोकल लेंथ f पे ये बनेगा। यहां पे हम लोग फोकल लेंथ का नया डेफिनेशन निकालते हैं या फोकस का नया डेफिनेशन निकालते हैं। फोकस का पहला डेफिनेशन हम लोग क्या देखे थे, इफ ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन ए मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन द पॉइंट वेयर इट कट्स और अपीयर्स टू कट द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द फोकस एंड डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब क्या कहेंगे, कहेंगे इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द इमेज फॉर्म्स इज कॉल्ड
फोकस किसको कहते हैं? इट इज द क्वांटम प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन द इमेज विल फॉर्म. कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इट इज लार्ज डिस्टेंस. समझ में आया? आप अगर मान लो कि ये कोई एक कॉनकेव मिरर है, आप जानते हो इसका फोकस इसके सामने है, और आप देखोगे अगर यहां से सन रेज आ रहे हैं दूर से, सन इज एट इनफाइनाइट, यू नो सन इज एट इनफाइनाइट, सन अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस में है तो ऐसा केस में आप देखोगे जो रेज आएंगे वो रे आके कहां पे मिलेंगे, द रेज विल कम, द रेज विल कम एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल ऑल मीट एट द फोकस. अगर आप बड़ा सा ऐसे एक मिरर ले लोगे, आप लेंस लगा के आप पेपर जलाना जानते होगे, सन रेज में लेंस लगा के पेपर जलाना मिरर से भी हो सकता है भाई, मिरर से भी हो सकता है. अगर आप फोकस में कोई चीज रखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे सारा रे जो आके रिफ्लेक्ट करके जितना रे इसके ऊपर आएंगे, ये सारा रिफ्लेक्ट करने के बाद इसी पॉइंट से जाएंगे और यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट जनरेट करेंगे. ठीक है, बहुत ज्यादा हीट हम जनरेट कर पाएंगे, ये सारा चीज आप देख सकते हो. ठीक है, इन कलकत्ता साइंस एग्जीबिशन इज देयर, उसमें वो लोग क्या किए हैं साइंस एग्जीबिशन में, देयर इज ए लार्ज मेटालिक रिफ्लेक्टर ऑफ कॉनकेव सरफेस. कॉनकेव सरफेस का मेटालिक रिफ्लेक्टर है, हाँ, और यह ऊपर से क्या कर रहे हैं, इंफ्रारेड का रेंज डाल रहे हैं. और आप देखोगे ये सारा जो रे रिफ्लेक्ट करेंगे, यहां से रिफ्लेक्ट करके फोकस में मिलेंगे. इफ यू पुट योर हैंड इन डिफरेंट पोजीशन कुछ नहीं लगेगा, लेकिन एट ए पर्टिकुलर पोजीशन यू सडनली फील यस बहुत जोर से कुछ चुग रहा है यहां पर, क्योंकि दैट मस्ट बी द फोकस. समझ में आया? दूसरा चीज ये हुआ कि अगर हम किसी एक मिरर में, आपको एक कॉनकेव मिरर दिया गया और पूछा गया मिरर ले लो और बताओ कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, कोई स्केल पेंसिल प्रोटेक्टर डाटा कुछ नहीं दिया, एक मिरर पकड़ा दिया, बताओ फोकल लेंथ कितना है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टू नो द फोकल लेंथ विदाउट एनी मेजरमेंट. हम मिरर को ऐसे सामने पकड़ के रखेंगे, हम जानते हैं कि व्हेन आवर फेस लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस ए वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म, तो हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा तो हमें दिखाई देगा. तो मिरर को ऐसे रखे और क्या किए, ये हमें इमेज दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाओ, दैट मींस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, दैट मींस द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स द फोकल फोकस. एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद जैसे आप फोकस में आके पहुंचोगे तो आप क्या देखोगे, सडनली आपको इमेज और नहीं दिख रहा है, जहां पर इमेज दिखना गायब हो गया वहीं पे रुक जाओ. नाउ हियर टू नो स्टिक डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ, आर यू गेटिंग, जितना दूर पे रखने से आपका फेस और दिखाई नहीं देगा, देयर टू नो स्टिक इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. ठीक है, तो फोकल लेंथ ऐसे हम पता कर सकते हैं प्रैक्टिकली. एक मिरर आपको थमा दिया, बताओ इसका फोकल लेंथ कितना है, तो सिंपली मिरर को पकड़ो और ऐसे ऐसे करके लो, एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद आपको और कुछ नहीं दिखेगा उसमें, जब दिखना बंद हो गया तब डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर, द इमेज फॉर्म्स एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर. इफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय 50 सेंटीमीटर टूवर्ड्स मिरर, फाइंड व्हाट इज
distance moved? What is distance moved by image? मैं चाहूंगा कि आप लोग ये क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करो. What is the distance moved by the image? We want to find out. ठीक है. Here a very important thing one must observe. We know 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. Or for a particular mirror, this is a constant. F is a constant. जब तक मिरर टूटा नहीं तब तक f वही है. F is a constant. इसका मतलब ये हुआ कि if u is equal to a, let v is equal to b. मतलब 1 by a plus 1 by b is constant. कितना है? 1 by f. If u is equal to b, तो b क्या हुआ देखो? हम कहेंगे 1 by b plus 1 by v is equal to 1 by f. Now you compare these two equations. What you find? Implies v is equal to a. 1 by a plus 1 by b will be 1 by f. 1 by b plus what will be 1 by f? It will be 1 by a. V will be a. समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें हम देख रहे हैं कि position of object and image are interchangeable. अगर ऑब्जेक्ट रहता है, मान लो कि ऑब्जेक्ट है 80 सेंटीमीटर में, इमेज बना 30 सेंटीमीटर में, ऑब्जेक्ट रहेगा 80 सेंटीमीटर में और ऑब्जेक्ट रहेगा 30 सेंटीमीटर में, तो इमेज रहेगा 80 सेंटीमीटर में. पोजीशन ऑफ यू एंड वी आर इंटरचेंजेबल. क्या देखे? दस दी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल. पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल. मतलब इफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू द पोजिशन ऑफ द इमेज, दैट इज if object is taken to position of image, then new image forms at old position of object. Old position of object. बढ़िया, इंटरेस्टिंग चीज है. यहां पर क्या दिया है? दिया है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, इमेज फॉर्म्स एट 30 सेंटीमीटर. मतलब व्हेन u इक्वल टू -80, v इक्वल टू -30. ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 50 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर. ऑब्जेक्ट moves 50 centimeter towards mirror. That is, u becomes -80 पे था, यहां से -80 पे था, इधर से 50 चला गया, अब कितने में होगा? -30 में होगा. पहले 80 में था, अब ये 30 में आ जाएगा. ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे मूव कर गया, मतलब u is -30. Therefore, भी क्या होगा? -80 सेंटीमीटर. तो इमेज कहां होगा? ऑब्जेक्ट को अगर इमेज की जगह पे ले लिए, इमेज ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा. सो इमेज मूव, पहले कितने दूर पे था इमेज? 30 सेंटीमीटर पे, अब कहां है? -80 सेंटीमीटर में. तो कहेंगे इमेज मूव 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर. ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो गया. सो इमेज मूव्स 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर. ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो. जिनका नहीं हुआ,
दिया है कि ये कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 33 मीटर है, यहाँ पर कोई डंडा पड़ा है 10 सेंटीमीटर लंबा, डंडे का इमेज बनेगा और उसका देखना है लेंथ कितना है। जस्ट मैं क्रॉप स्केच कर रहा हूं, ये है आपका मिरर, यहाँ पर बन गया डंडा, मान लो इसका दूसरा डंडा यहाँ पे बना, इसका लेंथ कितना है ये पूछा है। अगर ये ए है ये बी है तो आप जानते हो जो हमारा तरीका था सी ए पी वाला, तो ए का इमेज कुछ इधर बनेगा, बी का इमेज कुछ इधर बनेगा, क्यों क्यों क्योंकि जैसे आप इधर इधर आते हो इमेज भी तो इधर इधर आता है, फिर द ऑब्जेक्ट इज एट सी इमेज इज ऑल्सो एट सी, फिर द ऑब्जेक्ट इज एट सी इमेज विल ऑल्सो बी एट सी, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू सी इमेज विल बी क्लोज टू सी, ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम सी इमेज विल बी अवे फ्रॉम सी, एंड दिस वाज रीजन 1 दिस इज रीजन 2, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट इन रीजन 1 द इमेज विल बी इन रीजन 2, इसीलिए ए का इमेज इधर बनेगा बी का इमेज इधर बनेगा और हमें पता करना है लेंथ कितना है। अगर ये यू है भी निकाल देंगे, इसको मान लेंगे यू, जनरल मेथड में बता रहा हूं, तो ये हो गया भी 1, अगर ये ले लेंगे U2 तो ये हो जाएगा V2। एक बार हमें V2 मिल गया और V1 मिल गया, यहां से यहां तक V2, यहां से यहां तक V1, तो लेंथ कितना हो गया V2 माइनस V1, दिस इज द लेंथ ऑफ इमेज, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। बट वी आर लकी हियर, क्या दिया है कि फोकल लेंथ इसका 30 सेंटीमीटर है, एफ दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और पीबी दिया है, पीबी दिया है 60 सेंटीमीटर, मींस दिस पॉइंट मस्ट बी सी, दिस पॉइंट मस्ट बी एफ। सो सॉल्यूशन में करेंगे, बी इज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, सो इट्स इमेज विल बी एट सेम पॉइंट। ओ ऐसा है क्या, ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट, इमेज बनेगा तो यहीं पे ही बनेगा और इधर को बनेगा, चलो ये होगा एडेस और ये है आपका लेंथ पता करना है, और ये चीज क्या है भाई, ये है इमेज, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट था। अगर हमें किसी तरह से एडेस यहां से कितना दूर पे पता चल जाएगा, काम बन जाएगा। इन फिगर सोन एडेस इज इमेज ऑफ द एंड ए, फॉर ए यू कितना है, ये है 60 और ये है 10, माइनस ऑफ 60 प्लस 10 इज माइनस 70, एच कितना है, कंकेव मिरर है भाई, कंकेव मिरर है तो एक होगा कितना माइनस 30, तो भी निकालते हैं, 1 by v इक्वल टू 1 by f माइनस 1 by u, अगर 1 by f माइनस 1 by u करेंगे तो माइनस 1 by 30 माइनस 1 by माइनस 70 कमिंग आउट टू 1 by 70 माइनस 1 by 30, सिंपल करो तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना 210, दिस इज 3 टाइम्स माइनस दिस इज 7 टाइम्स, इट इज माइनस 4 बाय 210, दैट इज माइनस 4 बाय 210 कितना हो जाता है 2 बाय 105, सो इट इज वी इज 105 बाय 2 विथ ए माइनस साइन सेंटीमीटर। सो क्या मिला, पी बी डैस यही पॉइंट, दूसरा पॉइंट बी और बी डैश एक ही जगह मर्ज कर रहे हैं, पीवी डैश इज 60, पीए डैश
इज पी एड एस कितना है अभी भी निकला 1052 यस 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 अभी बताने से क्या होगा तो क्या मिल गया ए डैस बी डैस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज लेंथ ऑफ इमेज एंड व्हाट इज दैट ए डैस बी डैस ये 105/2 60 माइनस 105/2 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर इमेज विल बी ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यस सर यस चाहता हूं कि चार में से क्या होगा इतना बड़ा भील है चुनना है थोड़ा मुश्किल है लेकिन हमें मालूम है कि इसका जो इमेज होगा उसका जो इमेज होगा वो कैसे होगा इन्वर्टेड तो होगा ही क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सी से इधर है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगा सबको मालूम बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा इन्वर्टेड बनेगा अच्छा बी का इमेज बी का बी इज एन ऑब्जेक्ट बी इज एन ऑब्जेक्ट बी एक ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहीं बनेगा मालूम नहीं कहीं बनेगा लेकिन आपको याद होगा हम लोग किए थे द ऑब्जेक्ट हेड एंड इमेज हेड आर जॉइंड दे पास थ्रू सी मतलब बी का इमेज इधर कहीं बनेगा इसी लाइन पे मालूम नहीं है कहां है सी का इमेज इसी लाइन पे कहीं ना कहीं बनेगा सी विल बी समवेयर हियर ऑन दिस लाइन डी विल बी ऑन दिस लाइन ठीक है सी विल बी समवेयर हियर लाइक दिस अच्छा दूसरा चीज ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं अगर ये ऑब्जेक्ट सी पे रहता तो इमेज भी सी पे रहता वही साइज का होता मतलब ये जो सी डी है इट इज क्लोज टू सी उसका जो इमेज होगा कहा होगा ये जो सी पॉइंट का इमेज इधर कहीं होगा है ना इधर के पास में होगा और डी से आएगा तो मतलब मान लो कि इस इमेज यहां पर है कौन डी डैश सपोज कहीं ना कहीं है कॉल इट डी डैश उसका करेस्पॉन्डिंग सी डैश क्या होगा ये सी डैश और ए का इमेज कहा होगा जितना दूर जाओगे इंफिनिटी में चले जाओगे तो एफ में होगा अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज इज एट एफ ये दूर पे तो एफ के आसपास होगा मतलब ये होगा ए डैश ए डैश का करेस्पॉन्डिंग बी कहां पे होगा उसको तो इसी लाइन पे होना है रे भाई इसी लाइन पे होना है ना इसको इसी लाइन पे होना है कि नहीं अब हमें मिल गया कौन बी डैश और कौन मिल गया हमें मिल गया सी डैश हमें मिल गया है सी डैश हमें मिल गया है बी डैश अगर ये सारे को जोड़ेंगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा और जो आंसर की डी है वो आप में से सबको ही बता दिए मेजोरिटी बच्चे बता दिए कि इमेज विल बी लाइक दिस सोचो कितना बढ़िया आप लोग सोच रहे हो द इमेज विल बी लाइक दिस है ना क्योंकि ये तो ऐसे टेढ़ा गया ना ये लेंथ ज्यादा दिखेगा ये लेंथ कम दिखेगा और ऐसा कुछ होगा सो द डायग्राम विल बी डी ऑप्शन डी के तरह होगा इमेज